अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं अवैस चौधरी और प्रॉपर्टी वाला रियल एस्टेट के फोरम से एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर हुआ हूं। मैं आज जिस जगह पर खड़ा हूं ये है सिटी हाउसिंग जेहलम, और आज मैं आपको एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाने लगा हूं सिटी हाउसिंग जेहलम में, क्योंकि काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि जी सिटी हाउसिंग जेहलम जहाँ बना हुआ है वहाँ पर आबादी भी है या नहीं है। तो आज मैं आपको सिटी हाउसिंग जेहलम की टोटल अमेनिटीज़ दिखाने लगा हूँ कि यहाँ पर बन क्या गया है। तो अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये बिल्कुल मेरी बैक साइड पर यहाँ पर एक 300 कनाल का लग्जरी पार्क बनाया गया है, जहाँ पर बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जिसमें बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया भी मौजूद है, बड़ों के लिए जॉगिंग एरिया मौजूद है। आप देखें लश ग्रीन पार्क है, उसके अलावा यहाँ पर जू भी है, और इसके अलावा काफ़ी सारी अमेनिटीज़ इसके अंदर दी गई हैं। आप ज़रा व्यू करें इसका कि अगर आप इस 300 किनाल के पार्क के इर्द गिर्द रह रहे हैं तो आपको कैसा व्यू आएगा सुबह के टाइम और शाम के टाइम। इसके अलावा अगर आप देखते जाएँ, ये आपको कैमरामैन दिखा रहा है यहाँ पर आबादी, आप देखें कि ये सिर्फ एक ब्लॉक की आबादी है जो कि बी ब्लॉक है, उसके साथ डी ब्लॉक है। और अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर एक स्कूल जो कि वेल ऑपरेटेड और बहुत अच्छी बिल्डिंग में ये स्कूल है, जो कि एक रिप्यूटेड स्कूल है, रूट्स मिलेनियम स्कूल। और यहाँ पर भी इस टाइम पर अब बच्चों का जो छुट्टी का टाइम हो चुका है और बच्चे जा चुके हैं, अदरवाइज़ आप देखते हैं यहाँ पर ठीक ठाक किस्म क्या स्ट्रेंथ है। उसके अलावा अगर आपको कैमरामैन दिखा सके तो पीछे इस रूट स्कूल से, ये रूट स्कूल है, रूट स्कूल्स के स्कूल के बिल्कुल साथ वो पीछे वाली साइड पर डांसिंग फाउंटेन जो है वो तकरीबन 80-90% उसका काम जो है वो हो चुका है ना, वो टीम जो है वो तकरीबन उसको इंस्टॉल कर चुकी है। अगर आप रूट स्कूल के साथ देखें तो एक बहुत ही अच्छा लेविश किस्म का एक ग्राउंड दिया गया है, जो कि बच्चों के लिए क्रिकेट, फुटबॉल और दूसरी जो आपकी प्लेइंग एरिया है वो दिया गया है। उसके अलावा आपको मेरा कैमरामैन इस टाइम दिखा रहा है तमाम की तमाम आबादी डिफरेंट ब्लॉक्स में, डिफरेंट एरिया में। अगर यहाँ पर आप नोट करें, ये सामने सामने एक नोट करें तो ये जेहलम आई के नाम से एक जेहलम का सबसे बड़ा जो झूला दिया गया है, और ये रात के टाइम अगर मैं आपको इसकी फुटेज दिखाऊँ तो ये बहुत ही अच्छा ग्लोइंग सा झूला, जिसके ऊपर वैसे ही देख के बच्चों का तो दिल करता ही करता है, लेकिन बड़ों का भी दिल करता है कि हम इसके ऊपर बैठें। इसके अलावा आप अब देख रहे हैं कि इस तरफ वो सामने हमारा जी ब्लॉक है, और जी ब्लॉक का वो वाला पार्क जो कि शोरा या फाग पार्क है, जिसमें हर बंदा जो है उसके इर्द गिर्द प्लॉट लेना चाहता है। तो ये आपको एक आबादी का व्यू दिया है मैंने, और अगर जिस जगह पर हम खड़े हैं इस जगह के करीब करीब आपको दिखाया जाए तो ये एक कमर्शियल एरिया भी है, और वेल डेवलप कमर्शियल एरिया है, जिसके अंदर ना सिर्फ 3-4 अच्छे लेविश होटल्स, उसके अलावा जिम, उसके अलावा आपके शॉपिंग मॉल्स और जहाँ की अमेनिटीज़ जो हैं यहाँ पर दी गई हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो ये रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, ठीक है, आप ग्रीन बेल्ट्स देखें, आप यहाँ रात के टाइम पर लाइटिंग का अरेंजमेंट देखें, आप हैरान रह जाएंगे कि यहाँ पर सिटी हाउसिंग जेहलम में ये कितना अच्छा जो है वो मैनेजमेंट ने इंतज़ाम किया है, और कितना अच्छा ये व्यू शाम के टाइम आता है। तो इसीलिए जितनी वीडियोस मेरे आज तक आई हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने दिखाई हैं, लेकिन लोग पूछते थे कि जी यहाँ पर आबादी है कि नहीं है। आज मैंने आपको ये व्यू दिया, और आप इस डेवलपमेंट की स्पीड से अगर वाकफ़ होना चाहते हैं तो आप एक दफ़ा डबल डी वाले सेक्टर में जाएं, जहां पर एक माह पहले था कुछ भी नहीं था, लेकिन आज आप जाएं तो आपको पता चलता है कि यहां पर तो बिल्कुल पोजेशन के लिए तैयार प्लॉट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, और वो तमाम के तमाम प्लॉट्स जो हैं इस टाइम पर काफ़ी अच्छे गेन के साथ अवेलेबल हैं। इसके अलावा आईफल टावर ब्लॉक जो कि मैंने वीडियोज़ बनाई भी हैं, वहाँ पर बहुत स्पीडी डिवेलपमेंट हो रही है। इसके अलावा आपका हाइड पार्क ब्लॉक, वो भी बड़ा स्पीड से डेवलप किया जा रहा है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं आप यहाँ पर रहकर इनसे इंजॉय कर सकते हैं, इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, और ना सिर्फ कि आप अपनी फैमिली को एक पुरफ़ा मुकाम या पुरफ़ा इन्वायरमेंट दे सकते हैं, बल्कि आपके बच्चों के लिए और आपकी फैमिली के लिए ये एक लग्जरी से काम नहीं होगा जो कि किसी भी दुनिया के वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ में मिलती हैं। फॉर फर्दर डिटेल्स मुझसे रابطہ करें या मेरी टीम से रابطہ करें, हम यहाँ पर अपने नंबर्स जो हैं वो डिस्प्ले कर देंगे। थैंक यू।